ज्वारभाटा की जो मुख्य मुद्दा है महाराज जी, उसमें थोड़ी सी अपना मन को लगाना पड़ेगा। यह धरती और सूर्य का समुक्ता, इसकी जो प्रकार ये कैसे धरती के सामने घूम रहा है, एक धरती के सामने घूमने की जो तरीका है धरती का, ये ऐसा घूमता है, ऐसा सोया हुआ सूर्य के सामने रहता है सदा। जो जिस ओर सरकता है उसको हम उत्तर कहते हैं। खत्म हो गया। हाँ, जिस ओर वो सरकता है उसको हम उत्तर कहते हैं। उत्तर की ओर घूमती धरती है। नहीं, नहीं, और घूमती है उसको उत्तर कहते हैं। जिस ओर सरकता है, आगे की तरफ लगती। जो वर्तुल गति अपन धरती का देखेंगे तो वर्तुल गति का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ सामने रहता है। ऐसा चलती है, पूरा सूर्य के चारों तरफ ऐसा चलता है, जबकि सूर्य के ईश्वर आने से भी आगे सरकता है, उसी को उत्तर कह रहे हैं हम। उसके आगे सरक करके यहाँ आता है तभी भी आगे सरकने वाले विधा को हम उत्तर कह रहे हैं, यहाँ आता है तभी भी उत्तर कह रहे हैं, यहाँ आता है तभी उत्तर कह रहे हैं, ऐसा बना हुआ। उत्तर और दक्षिण तो सब मतलब धरती पर रहने वाले लोगों के लिए। हाँ, ये जो सत्ता के लिए उत्तर दक्षिण नहीं है। पूर्व और पश्चिम भी हम बोलते हैं सूरज को सम्मुख के सापेक्ष, और उत्तर और दक्षिण जो बोलते हैं अभी हम ध्रुव तारा के सापेक्ष बोलते हैं, लेकिन यदि हम गति के रूप में देखेंगे वर्तुल गति में, तो बाबा जी ये समझा रहे हैं कि पृथ्वी का जो गति जिस दिशा में वर्तुल गति बन रही है उस दिशा को हम नॉर्थ पोल कर रहे हैं। बस ऐसा बनी रहती है। ये समझ में आ गया। ये चलते चलते इसका निश्चित सरकने की विधि है, सरकने का भी उसको भी कहते हैं वर्तुलात्मक गति है हम कहते हैं। वो सरकते हुए स्थिति का नाम है, सरकता हुआ स्थिति में क्या होता है, ऐसा सिर को ऐसा करना होता है। ऐसा करने पर क्या होगा, ईश्वर दौड़ेगा समुद्र, ऐसा कर दिया तो नीचे दौड़ेगा, बस इतनी बात। ऐसा क्यों करते हैं? वो कंपनात्मक गति वैसी ज्वारभाटा है, मतलब धरती में कंपनात्मक गति होती है, इसके कारण ठोस तो हट जाता है, पानी तरल होने के कारण थोड़ी देर में हटता है, और हवा और देर में। ऐसा ये ठीक हो गया। इस ढंग से ज्वारभाटा, उसको अभी बच्चों को ये पढ़ाना चाहते हैं, चंद्रमा जो है ना ऊपर खींचता है, चंद्रमा सूर्य दोनों खींचते हैं पानी को, जी दोनों खींच रहे हैं, तो वो काय को लेके चलने देते हैं, तो कुछ तो टॉनिक गिनिक पिलावा, सब उठा के ले जा, अब काय के ले आ। बाबा जी, जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि चंद्रमा खींचता है, वही चंद्रमा और पृथ्वी दोनों अलग अलग शून्याकर्षण में है, तो दोनों का जो चुंबकीय बल है। शून्याकर्षण में रहना कहाँ पहचाने है रे, कई को ऐसे चले जाते हो तुम, मतलब ये वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि दोनों का आकर्षण बल खींचतानी में है, एक को दूसरा खींचता है, ऐसा उनका सोचना है। अपन क्या कहते हैं, दोनों शून्याकर्षण में है, ठीक है, दोनों स्वतंत्र अपने ढंग से काम कर रहे हैं, अपने गति से रह रहे हैं, हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। ये ठीक है, वो ठीक है, सोच लो। उल्का बाबा जी, अभी ये ज्वारभाटा पर ही मुद्दा पर अभी थोड़ी देर और कर लेते हैं। हाँ, करो। उसमें ये पाते हैं कि बाबा दिन में रोज ज्वारभाटा हो रहा है, होते ही रहते हैं, ज्वारभाटा रोज होता है, और ये पाया गया है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वारभाटा बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो, हवा के आधार पर ज्वारभाटा है, हर समय रहता है, हवा धरती की सरफेस में घूम रहा है ये तो आपको पता है, वो पानी के ऊपर भी बह रहा है ये भी पता है ना, जो समुद्र में जो पानी के ऊपर जो हवा है तटीय स्थल में ही प्रदर्शित हो पाता है, ठीक है, वो तब उसको भी हर दिन की ज्वारभाटा हम कहेंगे, लहर होती रहती है, ठीक है, जी, तो 15-15 दिन में ये बढ़ता है घटता है, वही उसमें कंपनात्मक गति हर 15 दिन में एक बार ऊपर नीचे होने वाला होता है, फलस्वरूप ज्यादा दिखता है, इसमें कौन सा तकलीफ है, नहीं कंपनात्मक गति रोज नहीं होता है। हाँ,
जो जो कंपनात्मक गति जो है कुछ नहीं होता है ऐसा नहीं, जितना होता है होते ही रहता है, किंतु 15 दिन में एक बार जो ज्यादा से ज्यादा होना है वो हो जाता है। इतना ही बात, कंपनात्मक गति तो हर हर गति में रहता ही है, शून्य में कंपन नहीं रहेगा ऐसा कैसा होगा रे, कौन पकड़ के चारों तरफ की लगाड़े हो क्या, खिलगाड़ दिया क्या, कहे के लिए ऐसा भाई, सबको अपना आराम से। नहीं बाबा ये बात जो है तो इसका मतलब है कंपनात्मक गति बदलती रहती है, हर वस्तु में हर परमाणु में कंपनात्मक गति है। नहीं कंपनात्मक गति तो है, लेकिन जितनी कंपनात्मक गति है वो बनी रहती है या कम ज्यादा होती रहती है? कंपनात्मक गति सदा बना रहता है। जो अभी आपने बोला ना, बताए ना वो जो जो सब जो धरती की सिर जो है ना, उत्तर की जो ध्रुव है वो ऊपर उठना नीचे होना बात होता है, वो भी एक कंपन है नहीं है, उस समय में ज्वार भाटा अधिक होता है। सापेक्ष ने भार बताया, तो वो ज्वार भाटा जो होता है, जो गति है ऊपर नीचे होने के आधार पर, आने के आधार पर हो रही है, लेकिन ये रोज ही होनी चाहिए 15 दिन के बाद। रोज में जो जितना कंपन रहता है उसके अगेंस्ट में तो हवा ही चल रहा है, उसका उसमें होने वाले ज्वार भाटा होते ही रहता है, जो ज्यादा ज्वार भाटा होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो इसका मतलब है हर 15 दिन में कुछ ज्यादा हिलती है? हाँ हर 15 दिन में। एक प्रश्न इससे आगे की बिंदु पर है जो पहले हो चुका, पूछ रहा हूँ उस पर कि पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु को तोला जाए, यदि वो 6 किलो मिलता है तो चंद्रमा में उसी वस्तु का वजन 1 किलो मिलता है, ऐसा भी वैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है, कम मिलता है इतना तो पक्का है। तो जितना जितना गुणा कम है उतना कम मिलेगा। क्या कम है, वस्तु तो दोनों जगह एक ही हो गई। अरे पुनः वही रो, वो जो चंद्रमा जितना बड़ा है, धरती जितना बड़ा है, उसका अपेक्षा में धरती की अपेक्षा में एक चौगुना होगा, चंद्रमा के चौगुना यदि धरती है वहाँ 1 किलो होगा तो यहाँ 1 पाव होगा, 4 किलो होगा। हाँ 4 किलो होगा, यहाँ 4 किलो होगा तो वहाँ 1 किलो जो भार है वो उस धरती की अपेक्षा में सापेक्षता में, कल बात हो गया था ना, हो ये धरती की अपेक्षा में हमको तोल मिलता है, ये कल जो 2 घंटा हुआ, 2 घंटा इसमें पचाए हैं, हो गए आगे आगे, उसके बाद वही का वही आते हो, नहीं नहीं आएंगे आगे आगे ये क्या चीज है। भल ये भी बताया था जो इसके साथ सहअस्तित्व में होना चाहता है, बीच में आप रोकते हो उसी का नाम है बल, ये बताया था भाई, ये बात पूरा हो गई है भाई। इसमें दोहराए ना महाराज जी, ये नजरिया से हर वस्तु ऐसा लगेगा, कहीं ना कहीं मनुष्य बड़ी आत्मीयता के साथ सारे चीज देख रहा है, ये तो बात सच्चाई मानो, चाहे तुम मानो ना मानो तभी भी वैसे ही है। विद्युत तो यही बिल्कुल स्पष्ट है, इसका भी बात हो चुकी है, जो चुंबकीय धारा को विखंडित करने पर विद्युत कहलाता है। आगे चलो बाबा, जैसे एक वस्तु में विद्युत बह रहा है एक तार में, उसको छूने से अपने को झटका भी लगता है, हाथ भी जल जाता है, आग लग जाती है, तो क्या चीज बह रहा है उसमें क्या बह रहा है बताए ना, मैं विखंडित चुंबकीय धारा बह रहा है वस्तु के रूप में, कुछ चीज ऐसा एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है या नहीं जा रहा? वो नहीं, वस्तु के रूप में कुछ नहीं है, जो माध्यम है उसमें स्पंदनशीलता बढ़ जाता है, उसका स्वाभाविक स्पंदनशीलता से बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसी का जो स्पंदनशीलता का जो गति है मनुष्य को झटका लगाता है, जला देता है, ताप देता है, सब कुछ कर देता है, क्योंकि उसका उस गति के साथ हमारा तालमेल नहीं है, अपने गति की ओर ले जाने के लिए वो सब कर देता, तब तक इसका खट कर्म हो जाता है। इतनी ही बात, मतलब हर वस्तु में संकोचन प्रसारण है ही, हर धातु में भी है। हाँ। तो विद्युत का मतलब उसके संकोचन प्रसारण बहुत ज्यादा बड़ा स्पीड भी बढ़ जाता है, लंबाई चौड़ाई भी बढ़ जाता है, और घट जाना भी हो सकता है। संकोचन प्रसारण बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत कम हो जाए, कम होना विद्युत का मतलब नहीं है,
बढ़ना ही विद्युत का मतलब है। जो संकोचन प्रसारण रहता है वो एक मिनट में 10 होता रहेगा तो 10 लाख कर देगा, छुएगा तो आदमी को अजीब गरीब नहीं होगा क्या? संकोचन प्रसारण मतलब वो तो बताए तो होता ही है। हरि हर हरि हर तो बिना चुंबक के विद्युत नहीं हो सकता। हाँ, विद्युत चुंबकीयता में परिवर्तित होकर के सकल कर्म कुकर्म सुकर्म सब कर देता है। शव को भी जला देता है, चूल्हे में भी आग भी बन जाता है, पंखे में दबाव से वो घूम भी जाता है। तो विद्युत आवेश है, चुंबक आवेश नहीं। हाँ, चुंबक आवेश नहीं, वो स्थिति है, विद्युत गति है। तो विद्युत को आवेश है चूंकि विद्युत, तो उसको सामान्य हो ही जाना एक दिन। सामान्य होने के लिए तो चुंबकीयता में परिवर्तित होता है ना रे, उसको काहे तुम याद रखते नहीं हो? जो तार में दौड़ा उसके चारों तरफ चुंबकीयता बना रहता है। याद रखो तभी तो पूछ रहा हूँ। बड़ा मुश्किल की हो गए भाई। वही तो कुल मिलाकर के मतलब है यार। तो मतलब विद्युत आवेश है इसलिए वो सामान्य होगा, सामान्य होने के क्रम में एक समय चुंबक बन जाएगा पूरी तरह। हाँ, चुंबकीय धारा में चुंबकीयता में परिवर्तित होकर के उसी को हम अर्थ हो गया कहते हैं, सामान्य हो गया कहते हैं, प्रकृति में विलय हो गया कहते हैं। चलो भाई, एक और प्रश्न विद्युत के साथ जुड़ा हुआ है। अपन धरती में कितना भी वोल्टेज तैयार करते हैं, वोल्टेज और करंट, वो अपन अर्थ कर देते हैं तो धरती उसको पी के खत्म कर देती है। तो इसीलिए वो विद्युत को खत्म नहीं किया जा सकता, कोयला तो खत्म हो जाएगा। विद्युत को यदि हम प्राप्त करते रहे, विद्युत खत्म नहीं होगा क्योंकि वो घूमता ही रहता है। तो विद्युत को अर्थ कर दिया तो उसका आवेश खत्म हो गया। आवेश खत्म हो गया ना, अर्थ से पुनः विद्युत मिलता रहेगा ना रे। आपका आपको जो है ना ईंधन विधि को बदलने के बाद भी अभी जैसा प्रवाह बल से भी विद्युत को प्राप्त किया जा सकता है, वो उसमें कौन सा विद्युत में कौन सा क्वालिटी बदलेगा भाई? विद्युत होगा, ठीक है ना? तो ये जो कोयला से होने वाली दुष्कृति बंद हो जाएगी। आवर्तनशील है, इसीलिए उसको आवर्तनशील है, इतना ही बात। बाबा तो ये जो आवेश है विद्युत आवेश अर्थ हो जाता है, इसका क्या मतलब है, कहाँ चला गया वो? हर आवेश जो है ना सामान्य होना है, ये पता है ना जी। आवेश कैसा हुआ था? चुंबकीय धारा को विखंडित करने से आवेश हुआ, ठीक हो गए। वो आवेश सामान्य हो गया कहाँ? जहाँ चुंबकीय बन करके असामान्य हो गया, एक नहीं तो वो चुंबकत्व में परिवर्तित हो जाता। चुंबकत्व से फिर आवेश, आवेश धारा समाप्त हो गया, चुंबकीयता रह गया। चुंबकीयता धरती में जो धरती की जो चुंबकीयता है उसी के साथ विलय हो गया। तो उससे कैसे करंट प्राप्त करोगे, आवर्तनशीलता कैसे? और कहां से चुंबकीयता को लाओगे? कोयला से चुंबकीयता आती है। धरती में चुंबकीय द्रव्य है, उसी की धारा को विखंडित करने पर विद्युत मिलती है। वो टुकड़े टुकड़े होकर होता कर होने पर जो आवेश होता है, उस आवेश को हम विद्युत कह रहे हैं। अब इसीलिए विद्युत और चुंबकीय बल इसका नाम है। चुंबकीयता को विद्युत से अलग नहीं किया जा सकता, अलग हो नहीं सकता वो। महाराज जी, ये प्रयोग पूर्वक देखा गया है कि चुंबक के दो ध्रुवों को रखकर उसके बीच में किसी कॉयल को हिलाएं तो कॉयल में विद्युत धारा चली जाती है। वही तो करते हैं। तो हम जितने शक्ति से उसको हिलाते हैं, क्या उतना ही शक्ति उस आवेश से मिलेगा या उससे कम मिलेगा? कम। जो ज्वार भाटा है वो चंद्रमा के आकर्षण के कारण होता है, और ये भी एक मान्यता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार भाटा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और तीसरी बात है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बहुत सारे लोगों में पागलपन का दौरा भी पड़ता है। बहुत सारे लोगों को जो ज्ञान हुआ है ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही होता है। तो वो ठीक है, इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है, ये भी मतलब ऐसा निष्कर्ष निकल रहा है। अच्छा, तो इसके बाद शरीर को जीवन मानते हैं तो फर्क पड़ता है, एक तो बात उसी में पूरा हो जाता है। जो जो कुछ भी असर है ये जितने भी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया से, तो शरीर तक की उसका असर है।
यदि जागृत जीवन होता है, यदि शरीर बेकार होता है तो भी कोई फर्क नहीं, कार हो गया तो भी फर्क नहीं। तो जागृत नहीं है, शरीर के विकार के साथ जीवन भी विकृत हो जाता है, विकृति की पीड़ा को भोगता है, यही देखा गया। ठीक है ये जी। अच्छा और आगे चलिए, और जवाहर भाटा के बारे में पहले हो चुका है, ये धरती की चाल के आधार पर, धरती की कंपन के आधार पर जवाहर भाटा होता है। और जो बात आप कहते हैं रोग के बारे में, जो ज्ञान के बारे में, हर दिन ही ज्ञान हुआ है किसी न किसी को, हर दिन ही किसी न कोई को ना कोई पागल हुए हैं, ठीक है ना, हर दिन ही कोई ना कोई आदमी पागल अच्छा भी हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई आदमी जो अच्छा आदमी मानते रहे वो कोई ना कोई भद्द काम किया ही हर दिन हर तिथि में, अब किसको हम पकड़ के रोवे भाई। नहीं बाबा जी बिल्कुल सवाल नहीं, अब दूसरी बात बोल रहे हैं कि पूरा विश्व का जो सर्वे है ना उसमें सबसे ज्यादा पागल पूर्णिमा तिथि के आसपास एक दो दिन के अंतर्गत में है, तो उसका क्योंकि पहले हम लोग जो मानते थे कि पानी को आकर्षित करता है चंद्रमा, और वैसे 80% पानी आदमी के शरीर में है, यहाँ तक कि जो दिमाग में ग्रे मैटर है वो भी तरल है, तो चंद्रमा का प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ता है, चंद्रमा मनसो जाता है मंत्र शास्त्र विधान भी है और वैज्ञानिक ऐसा मान्यता है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके तहत बहुत जोर से जो उद्वेलन होता है उसको जो बर्दाश्त नहीं कर सका वो पागल हो जाता है, ठीक है। अच्छा वर्ल्ड सर्वे के रूप में परिणाम भी ऐसा है, कोई ना कोई दिन पागल होता है, ऐसा मत बोलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बोलिए। वही बात कर रहे हैं, एक तो जनरलाइज किया है इसको, पर्टिकुलर आप जो कह रहे हैं उसी को मान लेते हैं। और सबसे ज्यादा ज्ञान भी जो भी रिकॉर्ड मिलता है, सबसे ज्यादा ज्ञान भी पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि के आसपास लोगों को हुआ। अच्छा होगा, होगा ऐसा मान लेते हैं, हमको इसमें कोई तकलीफ नहीं है, माने है। जैसा कोई जगह में ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया ये भी कहते हैं, कोई जगह में नदी में इसी जगह में ज़्यादा लोग डूबे ये भी कहते हैं, कोई झाड़ के ऊपर से यही झाड़ के ऊपर से ज़्यादा लोग गिरे ये भी कहते हैं, ये सब चीज़ों हम सुन के आए हैं ना बाबा, इसमें कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं, आप जो सुने हो मैं भी सुना हूँ, ये बात पूरा हो गया, हुआ भी होगा, ऐसे भी हुआ भी होगा, जीवन को शरीर मानते तक ये सब संभव है, शरीर का जीवन मानते, शरीर को जीवन मानते तक ये सब संभव है। ये शरीर के अनुसार पागल होने वाले आदमियों को कौन दिन पागल ना हो, हर दिन हो सकता है, हो सकता है ऐसे दिन में ज्यादा लोग हो गए, क्या बुरा हुआ, हो जाए, वही भाई जीवन, शरीर को जीवन मानना और कौन सा होता है, शरीर को जीवन तो हमेशा माने रहता है, वही दिन ही ज्यादा असर क्यों हुआ, अमावस्या और पूर्णिमा का दिन ज्यादा कामावेश हो जाए, भोगावेश हो जाए, है ना, लाभावेश हो जाए और कोई आवेश हो जाए काम धाम हो जाए, क्या बुरा हुआ, कोई ना कोई आवेश के बिना आदमी पागल नहीं होता, ये सही है। हाँ, वही बात है कि उस दिन जो है पूर्णिमा दिन सबसे ज्यादा आवेश क्यों हुआ, आवेश इसीलिए होगा, मनुष्य जो है ना जो ऐसे दिनों उन दिनों को अनुकूल माना होगा और कौन सा, हम तो पागल हुए नहीं, पागल हो जाता तो ये भी बताते इस कारण से होता है, अभी अभी हमारे पागल होने के बाद बताने लायक रहता कहाँ है, तो बता रहे हैं, तो ये तो बात, ये बात है ना बाबा, मैं ये बोल रहा हूँ क्यों पूर्णिमा के दिन है तुम पागल क्यों हुआ रे, ये पूछना पड़ता है ना आपसे, पूछ रहा हूँ मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आपको जो ज्ञान हुआ बता रहे उसके लिए वही पूर्णिमा अमावस्या या और कोई संधि कालों में मनुष्य को इस प्रकार के संवेदनशील आवेश अधिक होता होगा, इसीलिए आदमी पागल हो जाता है, रोगी हो जाता, असर किस चीज का है, संवेदनशीलता के आधार पर और कौन सा चीज पर, अभी तक जो मान्यता रही है ना तो चंद्रमा की वजह से आदमी की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, ठीक है दादा, चंद्रमा जो लफंगा ग्रह है पहले से हमारा इसमें लिखा ही है, ठीक है ये लिखा हुआ है भाई, क्या है लोनेटिक, क्या और क्या,
नहीं उसका और कुछ और कोई कहते हैं हमारा इसमें ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को कोई संयमशील संयतशील ग्रह नहीं माने हैं और चंद्रमा और शुक्र ये दोनों को अय्यासी माने हैं। ठीक है किताबों में लिखा है गुरु को व्यभिचारी ग्रह गुरु जी को गुरु महाराज जी को लिखा नहीं है चंद्रमा के यहाँ जा करके व्यभिचार किया है लिखा है कथा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम इंद्र तो हर जगह में व्यभिचार किया है उसका पूजा करते ही हैं आदमी ऐसा चाहता होगा इसीलिए ना पूजा करता होगा नहीं उसको अलग करना पड़ेगा बाबा देखिए क्या अलग करना है बताओ गुरु नाम का एक व्यक्ति जो देवताओं के गुरु थे अलग है और गुरु नाम का एक ग्रह अच्छा ठीक है दोनों को जोड़ के अपन क्यों ठीक है भाई मान लेते हैं आप जैसा ग्रह होगा वो उसके उसका कोई व्यभिचार नहीं है कोई अत्याचार नहीं है वो जैसा पहले था जैसा भैंस पूर्व काल में जैसा था वैसे ही रहता है तुम हारन बजाते रहो वैसे ही रहता है वैसे ही चंद्रमा भी है गुरु भी है हाँ ग्रह के रूप में उसका जो प्रभाव है क्या क्या कहता है अपने यहाँ चाहता है ना हर पूर्णिमा में पागल होता है क्या कहता है ठीक है ना दादा मान लिए ना भाई वो तो बात सब मान लिए अब क्या चाहते हो कारण यही है ऐसे समय में ज्यादा आदमी आवेशित होता होगा पागल होता है आवेश है ना होता है आवेश की प्रेरणा है ये आवेश का जो कारण है ये चंद्रमा है क्या ऐसा वो चंद्रमा कोई अकेले ने बता तो दे है हमारा जो भैंस जैसा आदिकाल में चाल में था वही चाल में चंद्रमा है आज एक ग्रह है आवेश तो जीवन में होता है आवेश जीवन में हो आवेश के बारे में जो भ्रमवश आवेश तो ये पूर्णिमा और अमावस्या का इस आवेश से क्या कोई संबंध होता है हमको तो कोई संबंध नहीं दिखता हमको नहीं दिखता अरे ये तो बात हो गई है ना दादा पागलपन का मतलब सब जानी थी ऐसा मान के चला किसी से ठीक है ना गांजा पिए दारू पिवे अफीम पिवे चरस पिवे कोई भी चीज खाए पिए आवेशित हो गए पागल हो गए मर गए अब क्या करोगे तुम अब मरने वालों का संख्या को आप खोजोगे कोई ना कोई एक दिन ज्यादा ही मरते हैं चलो आगे बढ़ो आप ये मानिए इस प्रकार से अपन सोचना नहीं बाबा एक मिनट जो अभी सर्वे हुआ है बाबा चलो अभी जो सर्वे हुआ है दुर्घटनाओं का उसमें जो दिशासुर वगैरह जिसको हम ज्योतिष में खराब योग मानते हैं ना उस दिन सर्वाधिक दुर्घटनाएं हुई हैं ऐसा भी सर्वे रिपोर्ट देखो ये सब जो है ना कुनवा जोड़ने की बात है सर्वे रिपोर्ट कोई भी घटना हुआ हम तो इससे वास्तु से जोड़ेंगे दिशा से जोड़ेंगे जोगिनी से जोड़ेंगे नक्षत्र से जोड़ेंगे करण से जोड़ेंगे सबसे जोड़ लेंगे हम तो चतुर आदमी है ना भाई हमको कौन रोकेगा हमारा मन की पकौड़ी को हम कैसा खूबसूरत में रखना है हम सब जानते हैं हम समझता हूँ ऐसा कोई आदमी खामी नहीं है ये इसके जनरलाइज करने पर यही हमको दिखता है आदमी जो है ना अपने भ्रमवश ठीक है ना संवेदनशील उछालों में आकर आदमी पागल होता है ठीक है और कोई ना कोई आशा बड़ी निराशा में परिवर्तित होने पर पागल होता है तीसरा कोई ना कोई नशा पदार्थों को सेवन करके आदमी पागल हो जाता है ठीक है ना कोई घटती है आदमी पागल हो जाता है आदमी पागल होने के बाद जितना नुकसान पहुंचा सकता है पहुंचाता भी है उसके बाद बाकी लोग सब मिल करके उनका नुकसान पहुंचा देते हैं इतने ही तो हुआ है अभी तक की उस बात को नहीं पूछ रहे थे वो तो सर्वसीकृत है जो आप बोल रहे हैं ना उसके बारे में कोई बात नहीं इसमें ना चंद्रमा का ना बृहस्पति का दद्दा किसी का प्रभाव वो भैंस जैसे है उसमें कोई भी किसी को पागल बनाने का काम नहीं है हम आपको दूसरी बात बताते हैं इस धरती के लिए सभी ब्रह्मांडीय किरण अनुकूल होने की बात यह धरती विकसित हुआ है
उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो हम क्या कर डालो बताओ। तो बाबा इस बात को स्वीकारने के बाद ज्योतिष के द्वारा जो अपन अशुभ प्रभावों की जो गणना करते हैं पूरा ध्वस्त हो जाता है वो पुनः अपने को पुनः विचार करने की मुद्दा है महाराज जी। लाज बचाना होगा तो पुनर्विचार करना पड़ेगा। हाँ, वो तो यदि लाज बचाना नहीं है तो अपन ऐसे ही बताते ही रहेंगे। हिल जाएगा ना बाबा। हिलना क्या है, देखो ग्रहों का प्रभाव है इस बात तय, धरती का भी प्रभाव है दूसरे ग्रहों के ऊपर और ग्रहों का प्रभाव धरती पर भी है, इसको आप एक ध्रुवांक बनाइए। ठीक है, तो इन परस्पर ग्रहों का प्रभाव इस धरती की धरती में ये गवाहित हो चुकी है अनुकूल है। अनुकूलता का परिभाषा यह है यहाँ विकास हो चुकी है, अनुकूल नहीं होता तो बिल्कुल इसमें कोई विकास ही नहीं होना था। ठीक है, ये बात पूरा होता है, यहाँ एक त्रिताल टूटती है। अब इसको ध्रुवांक मनाते हैं आप, यदि इसको नहीं मनाना होता तो अपन मनमानी करवे करेंगे, इसको ध्रुवांक के एक ध्रुव के रूप में स्वीकार करते हैं। जो ज्योतिषी की जितने भी पहल है सोचने की समझाने की और निर्णय लेने की जो तरीके हम अभी तक अपनाए हैं उसको पुनर्विचार करना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट ऐसा है। यदि नहीं करना है तो उदारता है। ठीक, ये क्या बताया, ब्रह्मांडी किरण इस धरती के लिए अनुकूल है। आदमी क्यों पागल होता है उसको खोजिए आपको मिलेगा। संवेदनशीलता की मैंने उछाल से, ठीक है, नशाखोरी से, बद दिमाग से, ठीक है ना, बद कर्मों में ज्यादा से ज्यादा सफल होने से आदमी पागल होता है, ये तो सब देखा हुआ बात है। ज्योतिष में उसको बताएंगे नहीं, इसको कौन ज्योतिष बताया है, कोई नहीं बताया। नहीं, ज्योतिष में ऐसा संकेत तो देते हैं बाबा कि एक विशेष ग्रह के प्रभाव के कारण इसकी मानसिकता के झुकाव का जो ज्यादा दबाव है ये इस दिशा में, मतलब क्रोध की दिशा में, काम की दिशा में, लालच की दिशा में जाएगा या ज्ञान की तरफ जाएगा, विद्या अध्ययन की तरफ जाएगा, इतना तो लोग बताते हैं। और उसके बाद फिर उसके बाद वाले घटना को आप बता रहे हैं तो उन्मादित होगा वो। ठीक है दादा जी, हम इसमें नहीं कह रहे हैं, ये सब हम नहीं बताते हैं, नहीं कह रहे हैं। अभी हमको यही पता नहीं है विद्या क्या है, अध्ययन क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब भाषा को हम प्रयोग कर डाले। मैंने अपन खोखले कहाँ हैं, हमको खुद को पता नहीं है ज्ञान क्या है, विद्या क्या है, ये पता नहीं है। ठीक है ना, हम ईश्वर अपन प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, इसी को पहचानने की जरूरत है, क्या चीज कम होने से परंपरा में इस प्रकार की करतूत होने लगी, उसके बारे में हम बताया अभी, वास्तु के बारे में बताया। आदमी को समझदार होकर के जीने पर हर जगह में काफी अच्छे ढंग से जी सकता है, निर्वाद है बाबा, उसके बारे में एक है ना। उसी प्रकार अपन कोई कॉमन रॉड, हर जगह में कोई कॉमन रॉड को, कॉमन मैंने फील्ड को पहचानने की आवश्यकता है। वो उसको पहचाने बिना आदमी में एकता को पहचानना बहुत मुश्किल है। एकता पहचानते नहीं तो फिर बाद में ज्योतिष क्या है। कोई एकता का सूत्र मनुष्य में हो उसके आधार पर सारा ज्योतिष को लॉन्च कराया जाए, काम करेगा, हमारा सोचना ऐसा है। ठीक है ना, एकता के सूत्र से आपका क्या आशय है? एकता का सूत्र का मतलब है ये है बाबा, जो प्रत्येक इकाई अपने त्वासहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदार है, इस एकता की सूत्र यहाँ इस ढंग से आता है। ठीक है ना, जैसा माना जाता है पूर्णिमा के दिन ही करीब करीब हुआ है। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, आपके साथ भी यही संयोग हो। ठीक है ना, क्या पति हो गया, संयोग ऐसा हुआ है। ठीक है, ये इसका क्या मतलब भाई पूछा, क्या कारण, कोई ना कोई दिन तो ज्ञान होना ही है। यदि ज्ञान यदि होता है, पूर्णिमा के दिन ज्ञान हुआ को हम बहुत कुछ आकलित कर ले हैं, या अमावस्या कुछ भी हो सकता है, जो हम समझते हैं पूर्णिमा का दिन ज्ञान हुआ को हम बहुत सारे लोगों को, जैसा कि दत्तात्रेय जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो
अष्टमी के दिन बहुत सारे दुष्टों का संहार हुआ, ऐसा भी बताते हैं। ये सभी बातों पर हम सोचने पर हमको कोई तकलीफ नहीं है। अभी आज आदमी के लिए कैसा इसको ज्योतिषी को लॉन्च कर रह जाए, ज्योतिषी के हर पहलुओं से मानव को राहत मिलने वाली स्थिति को, उसका विरोध को शमन करने वाली विधि को प्राप्त करने के लिए कैसा सोचा जाए, ऐसा हमारा सूझबूझ है। उसमें क्या हो गया है, हम इसमें समय इसीलिए नहीं दे पा रहा हूँ, हम इसमें अच्छी तरह से फंस गया हूँ। अभी देखते नहीं हो ये सब राहु केतु सब तो ही खोल रहे हैं, कहाँ ये मिस करता है, पकड़े बत्तीसी बाहर करे, यही सोच ही था। इस ढंग से तो नहीं सोचते, नहीं सोचते नहीं। अच्छी ठीक है, चलो बाबा जी हमारे जो राहु केतु फंसे हुए हैं उससे वो कैसे निकलेंगे, हम इसलिए आपके पास उसका तो हमारे पास दवाई, इसीलिए हम आते हैं। देखो बेटा इसके लिए तो सरल दवाई, प्यार से समझदार हो जाओ, सब राहु केतु सीधा उसी के लिए तो आते हैं बाबा। ठीक है ठीक है, ये बात तो स्पष्ट होती है कि पूर्णिमा और अमावस्या को जो भी मानसिकता जिस व्यक्ति की रहती है वो उछाल खा जाती है। हो सकता है, हो सकता है। इसको अपने को ऐसा ठीक है ठीक है, बढ़िया है, ऐसा भी एक आकलन बनाया जा सकता है। इस तरह के अवसरों का यदि उसका सुस्पष्ट अध्ययन हमारे पास है तो उसको वही मानव में इंट्रोड्यूस करने की बात, उस अर्थ में उसका वस्तु के रूप में क्या स्पष्टता है, ऐसा आपसे आशय है। अब आप उस पे उसको स्पेसिफिक बताने की बजाय जनरलाइज कर देते हैं, तो थोड़ा जनरलाइज ना हो, जनरलाइज हो लेकिन जो उसका कारण है उसका कोई उड़ जाए मान लेते, इसीलिए अंततोगत्वा आदमी समझदार होना ही पड़ेगा ना। वो ठीक है बाबा, उसमें कोई बात नहीं है ना बाबा। आप ये मानो जो ज्ञानी ना होना है, सभी ज्ञानी ना होना है, ज्ञानी होने को जनरलाइज किया जाए, क्या बुरा इसमें, हर आदमी पूर्णिमा के दिन ज्ञानी होते रहे, आपको क्या तकलीफ है, मुझको क्या तकलीफ है, आप बताओ। अभी अपन पागल होना नहीं चाहते हैं, बात सही है ना, ज्ञानी होना चाहते हैं, बात सही ठीक है ना, ठीक है ना यार। अब ये यदि ठीक है ज्ञानी होने के लिए कार्यक्रम को जनरलाइज किया जाए, स्पेसिफिक उत्तर बाबा जी इसमें ये बनता है कि अमावस्या और पूर्णिमा का दिन जो मानसिकता उछाल खाती है उसका कारण क्या है। उछाल खाने का कारण ये है, पहले से उसका फाउंडेशन बना रहता है 15 दिन, यही बनता है। तो 15 दिन 16 दिन भी तो हो सकता है बाबा जी, ठीक है बाबा 16 दिन में भी हो सकता है, मान लेते हैं आसपास ये भी कह रहे हैं महाराज, हम उसको नहीं कह रहे हैं एक्चुअलिटी वो मेरिडियन लाइन बना नहीं रहे हैं। ये भी एक संभावना है कि जैसे ज्वार भाटा धरती के कंपनात्मक गति के कारण होता है, तो क्या धरती की कंपनात्मक गति मानव में भी किसी तरह से प्रभावित हो रही है, क्योंकि मानव में कंपनात्मक गति जो जीवन परमाणु में है वो उसका लिंक है, तो धरती की कंपनात्मक गति और मानव की कंपनात्मक गति का कोई लिंक है। या, वो लिंक के बारे में है, अस्तित्व में संपूर्णता से एक से संपूर्ण जुड़ा ही है, इस ढंग की इसकी संबंध बना हुआ है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब प्रभावित ना करें ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए जो है इसीलिए जो पृथ्वी का जो कंपन है विशेष कंपन वो मानव के कंपन को प्रभावित करता ही है, करते ही होगा, इसलिए उछाल मारता ही होगा। क्या आपत्ति हुई, ये जीवन को करता है कि शरीर को करता है, दोनों को शरीर पर। देखो हम ऐसा नहीं ठेर जो जैसा मूढ़ता रहती है, जब तक आदमी शरीर को जीवन समझता रहता है तब तक जो है ना जीवन प्रभावित होता रहता है, जब जीवन ज्ञान हो जाता है और शरीर प्रभावित रहता है जीवन प्रभावित नहीं रहता है, बात इतनी है। तो ये बाबा जो जितने भी घटनाएं पागलपन की और इसकी सब की हुई, ये तो तभी हुई ना जब मानव जीवन को शरीर मान रहा होता है, नहीं बात है और कोई और कैसा होता है, इसलिए हो रहा है, इसलिए ही बात है, इसीलिए बोले। देखिए बाबा ऐसा मानने के बाद ना एक बहुत बारीक सवाल खड़ा होता है कि ज्ञान के क्षण में जीवन भाव शरीर को तो कोई ज्ञान होगा नहीं, जीवन कोई जीवन ज्ञान ऐसे ही मान्यता है ना। अच्छा वो सर्वोच्च अवस्था में जीवन ज्ञान के क्षण में पहुंच गया, उस दिन ये तिथि वाला नियम उसके ऊपर लागू हो रहा है, उसमें ये तिथि वाला जैसे पूर्णिमा तिथि को ज्ञान होता है, ये नियम उस ज्ञान जब वो शरीर भाव को लांग के जीवन भाव में चला गया उसकी सर्वोच्च स्थिति में समाधि या जो भी ज्ञान होता है, तो उस दिन यह नियम जो उसको छोड़ नहीं रहा है लागू हो रहा है, इसके पीछे फिर क्या कारण, ऐसा सवाल बन जाता है। तो ठीक है सवाल के बारे में देखो बाबा, ज्ञान तो कोई ना कोई दिन हम समाधि होने ही है,
समाधि को हम गए ज्ञान कहेंगे, कोई ना कोई समाधि, कोई ना कोई एक दिन को हम समाधि का दिन कहते हैं, ठीक है ना बाबा। तो उसके पीछे ये भी लगा रहता है, जैसा अपन ये कहते हैं ये भी छपवाते हैं 14 जनवरी, शरद पूर्णिमा, और कोई ना कोई ऐसा तिथि देते हैं, उसके पीछे में क्या चीज है, इसको मंगलमय दिन हम स्वीकार रहते हैं, ठीक बात है। ये भी इसके पीछे मैंने कंटिन्यू कर रहा है, रन कर रहा है, ये भी नारू जो है काम कर ही रहा है, और घटना भी होते ही है, घटना नहीं होता है ऐसा मेरा नहीं कहना है। हाँ, तो ये तो हमारा भी सोचना ऐसा है, पूर्णिमा का दिन आदमी ज्यादा प्रसन्न होने का तिथि बनता है। अच्छा, मेरा भी अनुभव ऐसे ही है, जो इसके पहले जो कविताएं ज्यादा से ज्यादा लिखा है, पूर्णिमा का दिन बहुत ज्यादा कविताएं लिखा है, ये भी बात आता है। ये सब जो है ना मनुष्य की खिलने की कारण, वो उसका कारण में यही है, वो सुखद प्रकाशी हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती, और कोई चीज हमको मिल रहा है ऐसा हमको नहीं लगता, ठीक है। तो इसके लिए इसको जो है ना आकलित करना, इसको ध्रुवीकरण करना, यही दिन ज्ञान होता है, उसको पता लगाना, वो रेंडम प्रोग्राम नहीं है, ये कोई डिटेल प्रोग्राम में है। अभी तक हम सोचते हैं ऐसा, ठीक है, उसमें हमको कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसके जो है ना इस प्रकार की जो सोचते हैं पागल होने की भाग है, वह हम आपको स्वीकार नहीं है, और ज्ञानी होने की रास्ता को वाइड अप किया जाए, यही बनता है महाराज। ज्ञानी होने के लिए जितना करना चाहिए उतना हम लोग अभी अपने अपने मतलब समझदारी की स्थिति से कर ही रहे हैं, उसमें तो दो मत नहीं। इन चीजों का यदि सहयोग मिल जाए, जैसे वो मिल जाए, क्या होता है, ये सब सहयोग मिलता ही है, बता रहे हैं पुनः वही बात, उसके लिए तो भैंस बंद हो गए, बकरी बंद हो गए, तो वो तो पूर्णिमा होता ही है, अमावस्या होता ही है, तो कोई मणि पहन लें या कोई ऐसे। हाँ, वो बात को तो बाबा बताएगा, हमारे अनुसार कोई मणि का प्रभाव नहीं है। तो बताइए महाराज जी, हो तब ना भाई, तो हमको ये हम साधना करते रहे, ठीक है। वो एक रत्न व्यापारी आया बेंगलोर से, संयोग से हमारा पिताजी के मित्र निकल गए। अच्छा, उसका एक रत्न मैंने हीरा 6 महीना पहले गुम गया था, ठीक है। तो वो आया जब हमको रत्न दिखाने के लिए, रत्नों को दिखाने के लिए, वो अपना पेटी खोला, उसी पेटी में एक कोने में वो चपका रहा साला वो मणि, वो उसको मिल गया जी। तो बेहद खुश हो गए, यहाँ आ गए, मणि मिल गया, ये आपको बता रहे हैं, इसमें हमारा क्या चीज है, इसमें यदि वो आदमी यदि गाता है, उनका बुद्धिहीनता के अलावा क्या चीज होगा इसमें, वो तो परिणाम के आधार पर गाता है भाई, तो उन्हीं का चीज उनको मिलना है। उसी दिन क्यों मिला, 2 दिन पहले मिलता है ठीक है ना दद्दा, किंतु उस दिन मिलने से क्या तकलीफ हो गया, खुशहाली हो गई, क्या हो गया, क्या आपत्ति हुई आपके घर में आने से, आपके खुशहाली हो गई। अच्छा, एक तो हो गई, उस दिन उन्होंने सभी रत्नों का दर्शन कराया, हम स्वप्न में भी सोचते नहीं रहे अमरकंटक में सभी मणियों को, यहाँ अमरकंटक में कोई आ करके हमारे पास बैठ करके, सूत्र है पतंजलि का, हाँ, सर्वरत्नोपस्थानम् अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम्, ये लिखा उसी दिन हो गई, ऐसा क्यों नहीं माना। हाँ भाई, बस बढ़िया हो गए बेटा, तो जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है अस्ते प्रतिष्ठा में आ जाता है, उसके सामने सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं। बोले अपने आप छप्पर फट के, उसका ये उदाहरण है, हो गए साहब, हो गया वो, एक दिन रहा, 2 दिन रहा हमारे साथ, जो थोड़ा सा हमारा साधना सीधना इस पर में भी थोड़ा सा सत्संग होता रहा, तो वो जाकर के हमारा साधना में मदद हो ऐसा रत्नों को भेजा, एक अंगूठी बना करके, चांदी की अंगूठी में एक नीलम रख, एक पन्ना रख, एक हीरा रख, 3 मणि को एक जगह में करके
एक अंगूठी बनवा करके भेजो। उन्होंने बोला था इसको अमुक दिन पहन लेना, पहन ले। अब दो दिन तीन दिन हो गया, वो तीनों मणि, हाँ, वो स्नान गिन करते रहे वहीं कुंड में, उसमें वो गिर गया। तीनों एक ही दिन स्नान करते रहे, वो तीनों कुंड में समा गए। तो हम घर आया, बताया, क्या कहना, ऐसे इस प्रकार से नर्मदा जी में अर्पित हो गई, उसका कल्याण हो, जो भेजा हुआ आदमी का कल्याण हो, ऐसा मैंने आशीष दिया, हो गया, खत्म हो गया बात। अच्छा, उसके बाद हमारे हमको कुछ लोगों ने मंत्रणा देने लगे, पुनः लिखो उसको, ये हमारा काम नहीं, वो जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हो गया, समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया। तो अब मणि के बारे में हम क्या कर डालूं, वो भेजा तो हम पहन में नहीं कर पाए, थोड़े ही दिन में वो निकल गया, अब मणि के बारे में असर हम क्या बताऊं। अभी संसार में हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं, वो पहना ये पहना, हमको वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कोई कहता, कोई कोई कहता हमको कुछ नहीं हुआ, पहले जैसे ही है। कुछ लोग कहते भी इसको पहना पहना, वहाँ जाते रहे, गाड़ी बड़ी स्लिप हो गई, बाल बाल बच गए, वैसे भी कहते हैं, ये सभी चीज़ सुनने में आता है। इसके लिए हम क्या कर डालो, क्या चीज़ को हम सही मानो भाई, जो मणि नहीं पहनते हैं वो भी बाल बाल बचते हैं, ठीक है, ये सभी बातें संसार में चल रही है। हम ये यदि निर्धारित सिद्धांत के रूप में, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आपने को शायद है, इन सभी विधा में बहुत सारा आपने को अर्पित करने की जरूरत है, परीक्षण निरीक्षण करने की आवश्यकता है, प्रयोग करने की आवश्यकता है, डाटा निकालने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा सोचना, क्या आपका कहना, ठीक है, इसको ऐसा किया जाए। तो इसी तहत में अभी अंतिम परिणाम क्या हुआ, ये जो प्रसंग आई थी अमावस्या पूर्णिमा के प्रक्रिया में, वो इनमें पागल होने वाला अपने को स्वीकार नहीं है, ज्ञानी होने वाला स्वीकार है। ज्ञानी होने के लिए सर्वाधिक लोगों के सामने क्या उपक्रम किया जाए, उसको चिंतन किया जाए, सोचा जाए, समझा जाए, उसमें अपने को लगाया जाए, यही सहायता हो सकता है, दूसरा क्या सहायता करे, ठीक है, ये बारे में ऐसा माना जाता है कि उसमें बैठने पर शरीर में भी स्वास्थ्य बनता है, क्या बनता है, शरीर का स्वास्थ्य स्वास्थ्य लाभ होता है, ठीक है, ठीक है, लाभ करें, क्या आपत्ति है उसमें, संयम वाली प्रवृत्ति भी बनती है, एकाग्रता की प्राप्ति होती है, एकाग्रता बढ़ता है, फिर क्या कहना चाहिए कि एक तो पिरामिड बनाया जाए उसके अंदर बैठा दिया जाए, रहे सही है कि नहीं, कुछ सही नहीं है, कब पेमेंट नहीं है, कब्रस्तान में बैठ जाओ तो भी उतने ही है, हम सोचते रहते हैं उतने ही है, कब्रस्तान में तो होता है बाबा से फिर कह के लिए वो पिरामिड भी वही कब्रस्तान है, तो है, तो हमारा कहना है मनुष्य अपने में जैसा रहता है उससे कोई ना तो अधिक होता है ना कम होता है, ये सब करना होता इसमें हो जाता है तो फिर ज्ञान हो जाता है, सबको एक एक तो कब्रस्तान बनाओ या ना तो पिरामिड बनाओ उसके अंदर बैठा दिया जाए, सब ज्ञानी हो जाए, क्या बुरा हुआ। ये सब हमारा परिकल्पना की हवीस है महाराज जी। तो बाबा पिरामिडो राजे के नाम से जिस विद्या को अभी दुनिया में लॉन्च कर रहे हैं लोग, वो उसमें कोई दम नहीं है। देखो बाबा, इसके पहले थोड़ी सी एक अनुस्मरण सुनाओ आपके, तो क्या हुआ, इस बीच में चुंबकीय चिकित्सा नाम की चीज शुरू हुई, और टीवी में हम समझता हूँ एक 10 दिन वो आदमी चुंबकीय चिकित्सा के बारे में चीखता रहा, उसमें से एक दिन वो चिखाई को हम भी सुना, संयोग भोपाल में किसी के घर में था, उस दिन वो तमाम प्रकार की बताता, इसमें सब रोग दूर होता है, सबसे अच्छा ये हुआ उनका रोग दूर हो गया, क्या रोग, दरिद्रता, कैसे, उनका किताब बिक गया, वो लोहे की टुकड़ा वो जो चाहे उस भाव से बिका, इतना हम जानता हूँ, बाकी एक भी कोई चीज़ कामयाब नहीं हुआ। ये पुराने की साहब यहाँ बैठे हैं,
इन्हीं के यहाँ से वो चुंबक चुंबकीय पत्थरों को हम डुहार के ले गए। क्या किए? डुहार के ले गए, उसको प्रयोग किए, ईमानदारी के साथ प्रयोग किए, एक पैसे की फर्क पे चिखाई हम टीवी में सुने। उनका तो दरिद्रता छूट गई है, बात सही है। इसमें दिल्ली में उनका बंगला बना हुआ है आलिशान, एक एकड़ जमीन में बना के दिखाओ, पता लगता है। ये तंदुरुस्ती बढ़ गई। आगे चलो बाबा, पर समृद्ध हो गए क्या वो, दरिद्रता दूर हो? अरे कहाँ कहाँ से समृद्ध होना है वो दरिद्रता तो और चौगुणा की तो बना ही है। दूर कहाँ? तो पहले की अपेक्षा तो परिवर्तित हो गए ना रे। लोगों के आँखों में उनको पैसा मिल गया, ये एविडेंस मिल गए ना भाई। जी बाबा, एक बहुत मतलब पुराना प्रश्न है कि आकाश से कोई उल्का आकर धरती में गिरता, हाँ, तो ये उल्कापात आकाश से आता किस जगह से? हाँ वह बात है, वो बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर बहुत सारे अटकलें हैं। पहले तो वो तारा टूट करके आता है, उसके बाद उल्का होता है, उल्का वो जो तारा ही उल्का है, दूसरा कोई उल्का है, ये सब बातें थी। ठीक है, ठीक है, एक उल्का पात होता है, ये बात सही है। हमारे आंखों को भी दिखता है कोई कोई चीज, कोई दिन कोई बिल्कुल बढ़ता हुआ जलता हुआ चीज धरती की ओर दौड़ता हुआ आप हम देखते हैं। ठीक बात है, ये यहाँ तक पूरा हो गया। उसके बारे में हमने जो देखा है, इसकी सही स्वरूप को देखा है, वही है ब्रह्मांडी किरणों का निरंतर गति बना रहता है। ये तो आप जानते ही हैं, कोई एक प्रकार की ब्रह्मांडी किरण का संयोग होने से उसमें इतना ताप बढ़ जाता है, एक सेकंड की करोड़ों करोड़ों भाग में आसपास की बहुत सारे अणुओं को एकत्रित कर देता है। आकर्षण बल बढ़ करके एकत्रित कर लेता है, जलता हुआ ज्वाला जैसा नीचे तक आता है। ये जो वो कोई कोई चीज जैसा भी चीज मिल सकता है, कभी 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 नहीं भी मिल सकता है। ये जो घटना है धरती के वायुमंडल के भीतर, हाँ, ये धरती के वातावरण के अंदर घटित होता है। मतलब धरती के वातावरण के बाहर से कोई चीज नहीं, बाहर से कोई चीज नहीं आता, नहीं सोच बैठे रहो। इतने बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, वो सब इसी धरती की वातावरण की है। बाबा इसमें एक प्रश्न होता है, जैसे आप सोचो इस धरती से समृद्ध वातावरण कहाँ होगा रे? उन पत्थरों का अध्ययन करने से पता चला है कि जो उसका मटेरियल है वो धरती में मिलने वाले मटेरियल से भिन्न है। नहीं, यही हेडलांगो, अभी चंद्रमा से लाए मटेरियल धरती में जो मटेरियल है किसी मटेरियल की तुली ही है। ये व्यर्थ की ये सब बातें लेकर के दिमाग पचाना हो तो पचा सकते हैं। जी बाबा, इसमें मैं दूसरा एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। हम लोग ऐसा अभी तक सुनते हैं कि यदि किसी जगह में गर्मी हो जाए तो वहाँ से हवा के कण दूर हट जाते हैं, हवा के कण वहाँ उस जगह से दूर हट जाएंगे, हवा, ठीक है ना, वायुमंडल में, वो ठीक है। आप इससे विपरीत बता रहे हैं कि कहीं यदि तापमान हो जाए तो दूर दूर से कण वहाँ पर आ जाते हैं। वो चुंबकीय बल के संयोग से बता रहा हूँ, वो छूट गए ना, उसको जोड़ लीजिए वो पूरा हो जाता है। वो धरती को छूते तक वो इकट्ठा करते ही आता है, तो पिंड बन जाता है, पिंड बन जाता है। जबकि जो विज्ञान की अवधारणा वो इसके उल्टा है कि मोटा आता है और हवा से घर्षण करके जल के टुकड़े होकर छोटा रह जाता है। ठीक है भाई, कहने में हम क्या कर डाले, हम कहे हैं होता है इतने ही। एक विज्ञान वाले कहते हैं वायुमंडल के बाहर से आता है, बाहर से आता है, बाहर से कहाँ से, जलते जलते छोटा होके खत्म हो जाता है, दूसरे ग्रह का वो उससे कहीं टकरा, कहीं से भी आता है। हो गया महाराज, हो गया महाराज जी, हो गया। बाबा जी का कहना है कि धरती के वायुमंडल में ही ये बनता है, आग जलना शुरू होता है और वहीं के चीज जुड़ जुड़ के और बड़ा होता है। बाबा जी, जो ब्रह्मांडी किरणें हैं, ये जो आपने बताया ब्रह्मांडी किरणें इतनी आवेशित हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है, हाँ, किसी एक प्रकार की अणु का संयोग होने से, ये तो आप जानते हो, हाँ। कोई भी दो प्रकार की जो आवेश एकत्रित होने से तीसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित होता है, ठीक है। कोई भी दो प्रकार की आवेश एकत्रित होने से तीसरे प्रकार की आवेश में परिणत हो जाता है,
ये समझ में आता है आपको? आता है क्यों? आ रहे हैं ना। तो उसको उसी विधि है इसमें भी। इसमें क्या हो जाता है, जो ब्रह्मांड किरण आकर के किरण का संयोग में किसी निश्चित प्रजाति की अणु मिलना चाहिए, उसमें योग होना चाहिए। योग होते ही उसमें ये ताप का प्रचंड ताकत बनता है। वो ताप से क्या हो जाता है, आकर्षण बल दूर दूर तक, आकर्षण का फील्ड जो बनता है वो दूर तक बन जाता है। बनते ही उसी के साथ साथ जलता जलता हुआ नीचे आता है। आते आते उस मार्ग में जितने भी आसपास के हैं सबको बटोर के धरती में आके बैठता है। ब्रह्मांडी किरणें मतलब कोई आवेशित कण? हाँ, ब्रह्मांडी किरण के बारे में बात ऐसा सोचना चाहिए, बहुत सारे किरण जो है विकिरण ही विकिरण विकिरण के रूप में दौड़ते हैं। विकिरणीता क्या चीज है पूछो? ये बहुत अच्छी बात होगी। जब कभी परमाणु में जो कार्य होता है उसका उसका जितने भी ताप है वो परावर्तित होता है। परमाणु में जितना ताप होता है वातावरण में यदि उससे कम होगा उस स्थिति में वातावरण में वो परावर्तित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विकिरणी मटेरियल में क्या होता है, परिवेशी गति से जो उत्पन्न जितने भी ताप है वो मध्यांशों पर प्रभावित कर देता है। ये सुनने में आता है आपको? ये सुनने की ही बात है। उसमें हजम होने की एक निश्चित ताकत है, वो ताप को अपने में रखने के लिए, हजम करने के लिए, उसको माने दुहारने के लिए निश्चित एक अवधि है मध्यांश में। वहां तक वो अपने में समा लेता है। अवधि है कि क्षमता? उससे अवधि है कि क्षमता? दोनों वही बात है। वो क्षमता के अनुसार बिल्कुल पूरा अपने में समा लेता है। उससे ज्यादा होने के बाद उसका प्रभाव को उसके बाह्य वस्तुओं पर फेंक देता है, फेंकना शुरू करता है। वो कैसा फेंकता है? वो ताप के रूप में नहीं फेंकता, कंपन के रूप में फेंकता है। कंपन माने? कंपन वातावरण में जो मॉलिक्यूल्स रहता है वो उद्दोलित होते की स्थिति में जाता है। अभी अपने शरीर में जब मैं विकिरणी प्रक्रिया से एक्सरे करते हैं, इसमें क्या होता है, हमारा शरीर की अणुओं को उद्दोलित करके हड्डी का फोटो लेता है। इसी क्रम से वातावरण में उसका उद्दोलन शुरू होता है, हो करके वो अणु से अणु अणु से अणु की होते होते केवल प्रभाव ही जाता है। इसको विकिरण नाम है। उसमें ताप ट्रैवल नहीं होता है, तरंग ट्रैवल होता है। तरंग जो है ना ये मध्यांशों से प्रेरित प्रकरण है, प्रेरणा है। ये उसकी इतना ज़्यादा पैनीपन है ना, चुभने वाली चीज़ है, एक के अंदर घुसने की योग्यता है, वो अपने अपना वांछित विधि से उसे काम लेने योग्य ताकत है, उसको अभी ले भी रहे हैं। ये विकिरणी गति का मतलब है। ये विकिरण की गतियों को भी ब्रह्मांडीय किरण कहलाता है। ठीक है, अच्छा महाराज, ये जो विकिरण का प्रभाव है किसी इकाई के केंद्र में होता है कि बाहरी भाग में होता है? केंद्र में होता है। जैसे सामान्य रूप में जो प्रभाव होता है अभी, हाँ वो सब तो बाहरी बाह्य परिवेश की जो वस्तु में होता है, ये जितने भी अभी अपन बाकी बात कहते हैं उसमें क्या होता है, मध्यांश से बहिर्गत होता है ताकत। उसमें कोई पार्टिकल जाता नहीं है। हमारा सोचना है पार्टिकल के, जब पार्टिकल के रूप में भागता है विकिरण, विज्ञान में ऐसा मानते हैं, अल्फा बीटा गामा तीन प्रकार के पार्टिकल तो निकलते हैं। ये प्रकार के प्रभाव है, ये जो है ना तीन प्रकार से प्रभाव होता है, पार्टिकल नहीं होता है, प्रभाव होता है। विज्ञान के अनुसार पार्टिकल निकलता है, प्रभाव है, प्रभाव। ठीक है, ठीक है, अभी अपने को प्रभाव मानना चाहिए। प्रभाव के रूप में ये चीज करता है, बाहर की बाह्य संसार में जितने भी अणु परमाणु होते हैं उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं, वो तरंगवत जा करके वांछित क्रिया करते हैं। ये आपने विकिरण के बारे में बताया। हाँ, ये विकिरण के बारे में। किरण क्या? किरण ये चीज है
कहीं से भी प्रकाश होता है, जैसा सूर्य से आ रहा है, ये किरण है। ताप सहित जो है वो किरण हाँ, हाँ। वो ताप से नहीं, प्रतिबिंब से, प्रतिबिंबों से किरण, प्रतिबिंबों से किरण, किरण प्रतिबिंब अनुबिंब प्रत्यनुबिंब विधि से किरण, ताप से संबंधित ताप परावर्तन विधि से ताप, तरंग तरंग जो है हो सकती है बिना ताप के भी हो सकती है, किरण जो है हाँ, ताप एक अलग चीज है, किरण एक अलग चीज है, भी प्रतिबिंब विधि है वो। ये जो है ना ताप विधि परावर्तन विधि है, ये जो अभी तीसरा बात कहा ये तरंग विधि है, वातावरण में तरंग पैदा करने की विधि है, जो मध्यांश में जो दबाव बने रहते हैं उसके कंपन से वातावरण में तरंग पैदा हो जाते हैं, ऐसा है विकिरण। इसको मैंने ऐसा देखा है, वैसा काम भी होता है, ठीक है। इतनी ही छोटी सी बात है ये, किरण और रश्मि दोनों अलग अलग हाँ, रश्मि एक दूसरी भाग है, किरण किसी भी धरती के वातावरण में आने की बात, वो अनुबिंब प्रत्यनुबिंब में विभक्त होकर के अनेक अनेक बन करके एक किरण अनंत भागों में बट करके धरती को छूता है, इसका नाम है रश्मि। छोटा सा काम, ये सब छोटी छोटी काम है भाई, ठीक है। एक प्रश्न है बाबा, हाँ। ये तो कल हो गया था, हाँ। एक प्रश्न है, सरफेस टेंशन नाम का एक शब्द विज्ञान में पढ़ाते हैं, हाँ। हिंदी में इसको सतह तनाव कहते हैं। यदि एक कांच के ट्यूब में पानी भरेंगे तो ऐसा दिखाई देगा कि ट्यूब के किनारे किनारे पानी की ऊंचाई ज्यादा है और केंद्र की तरफ पानी गहराई में, मतलब एक ऐसा झुका हुआ एक दृश्य दिखता है, ऐसा झुक गए उनको ऐसा करते हैं कि सतह के कारण ये खींचते हैं, जबकि पारा देखते हैं, पारा में ऐसा उठा हुआ दिखता है, ठीक है। वो तब उसके तब उसको सरफेस टेंशन से मुक्त रहता है, ऐसा ये कहते हैं, होता होगा। तो इसमें ये बात है भैया, वो ट्यूब में भरने के कारण है, वही चीज ग्लास में भरते हैं वो ऊपर रहता है। चलो आगे, नहीं मतलब ट्यूब की यदि मोटाई ज्यादा कर दिया जाए, वह चलो आगे चला हो वो तैयार है, आगे चला स्पष्ट नहीं हुआ, आगे चलेंगे। अरे क्या बताए, ट्यूब के आकार में पानी भरोगे ऐसे ही दिखेगी, आकार के कारण, आकार के कारण वो बता, वो अपने को जोड़ना नहीं बनता है क्या, और ट्यूब में पूरा अगर ऊपर तक भर दे तो गोला ही हो गया, ऊपर ऊपर तक भर के देखिए, सरफेस तो ऊपर ही होता है, बीच में देख लेते हैं। ये गोलाई का कारण क्या, ये जो गोलाई होता है इसका क्या कारण। हाँ ये बात अच्छी, तो आप तो जानते हो, तो ये पानी में भार होता है, पानी में और एक गुण है, पानी अपने लेवल को मेंटेन करता है। यदि दो जगह हो पानी को अपने इसको लेवल को शो करने के लिए हो, चार जगह हो, माने एक ट्यूब दो ट्यूब चार ट्यूब बना दिया अपने, एक में पानी भरा, उन सभी ट्यूब में एक ही लेवल में पानी होता है, इसका क्या नाम दिया आप लोगों ने, वाटर मेक्स इट्स ओन लेवल, एक एक नाम दिया जी। पानी किसी में भरी है अपने में एक लेवल बना लेता है, कैसे भी भरी है वो अपने में एक लेवल बनाता है, ये सिद्धांत ठीक है जी। उसके साथ क्या आपने क्या कर दिया, ट्यूब को बेंड कर दिया, वो सीधा ट्यूब में भर के देखो ना भाई कैसा दिखता है जी। हाँ सीधा ट्यूब में भर के देखोगे तो उभरा ही दिखता है, ग्लास में भरोगे तो उभरा ही दिखता है। जैसे तालाब में पानी जमा रहता है, हाँ। ये जो इसका लेवल मेंटेन करता है वो फ्लैट रहता है या वो भी ऐसा उठा हुआ रहता है, वो उठा ही रहता है, समुद्र ही उठा रहता है, ये धरती के आकार में सब बने रहते हैं, सरफेस पूरा धरती के आकार में रहता है, तब पानी हो चाहे हवा हो चाहे ठोस हो, क्या हो ठोस तो धरती के आकार में नहीं बन पाया, और क्या, और क्या बनता, पहाड़ बड़ खबड़ जो है, पहाड़ गिहाड़ मिलकर के धरती के आकार है बेटा, अंत तो गतो वो सब एक गोलाकार है, गोलमोल उबड़ खाबड़ बराबर गोलमोल। बहुत प्रसिद्ध एक ये है, जैसे कोई पदार्थ का एक टुकड़ा है उसको यदि अपन किसी गति में लेके जाएंगे तो जैसे जैसे उसकी गति बढ़ाते जाएंगे और गति बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो पदार्थ पूरा के पूरा ऊर्जा में बदल जाएगा,
ऐसा इनका समझना जी। तो इसके बारे में क्या पदार्थ वास्तविक रूप में पूरी ऊर्जा में बदल जाता है, ऐसा कोई बात अस्तित्व में होती है? बिल्कुल, कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जो कि उसको सूक्ष्म सूक्ष्मतम विभाजन हो सकती है, ठीक है, परिवर्तन हो सकता है, अभाव नहीं हो सकते। सूक्ष्म सूक्ष्मतम जो हम गिन नहीं सकते हैं, उस प्रकार से टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, और हम जो अपेक्षा रखते हैं उससे ज़्यादा परिवर्तन भी हो सकता है, अभाव नहीं होता। चलो आगे। इसमें एक चीज और है, यदि उसकी गति बढ़ा दो, गति बढ़ाइए ना, कुछ भी कर लीजिए, देखने पर क्या पदार्थ ऊर्जा में बदल जाएगा? नहीं बदलता। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि बाबा यदि प्रकाश के वेग तक उसको बढ़ाया जाए। देखो बहुत आसान गेम है ये, कोई भी वस्तु है एक तब तक उसमें गति दिया जाए जब तक उसका जब उसका आकर्षण बल शून्य ना हो जाए, एक अवधि ये बनता है, शून्याकर्षण में आता है, शून्याकर्षण में होते तक एक क्रम तो ये है। दूसरा ये हो जाए, वस्तु को इतना विखंडित किया जाए, धरती के वातावरण से बाहर भागने योग्य हो जाए, इतना छोटा टुकड़ा किया जाए, वो इतने इतने जाल वातावरण की जाल से, जाल के बीच में से खिड़की से घुस करके इस धरती की वातावरण से बाहर भाग जाए, ठीक है। अभी ये लोग जितने जिसको तरंग कहते हैं वो सब इसी प्रकार भागी हुई चीज को ये तरंग कहते हैं, ठीक है, वो तरंग को ये ऊर्जा कहते हैं, जबकि वस्तु के बिना तरंग होता नहीं। आप समझिए, आप समझे, वस्तु के बिना कोई तरंग नाम की चीज होता नहीं। वस्तु माने पार्टिकल। हाँ, पार्टिकल, पार्टिकल का पार्टिकल, पार्टिकल का पार्टिकल, 2000 वर्ष बोल रहे हैं, उसके बाद भी कोई चीज रहता है वो ही है, 2000 वर्ष के बाद का पार्टिकल, वैसा मान ले, हमको क्या तकलीफ है? कल्पना करने में आपका क्या जाता है, हमारा क्या जाता है, ठीक है। तो तरंग इसी को कहा जाता है। अभी प्रकाश में जो तरंग की बात कही है उसके लिए एक प्रयोग किया है विज्ञानियों ने, एक छत की छेद से एक प्रकाश का, प्रकाश को धरती तक छूया हुआ देखा गया, ऐसा दो ट्यूब बना दिया है ना, दो ट्यूब बनाने से वो धरती में वो जो माने प्रतिबिंब पड़ा रहता है वो ऐसा वैसा मैंने हलता हुआ दिखता है, उसको दिखा करके कहते हैं प्रकाश में तरंग है। कुछ समझ में आता है? ये ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरे को तो पता नहीं महाराज जी इस प्रकार के। हाँ, आप वो गणेश जी को बुलाओ, इधर इधर आवा हो, ऐसा करते हैं कि नहीं? प्रकाश में तरंग को बताने के लिए ये प्रयोग किए हैं कि नहीं किए हैं? दूसरी प्रकार का प्रयोग किया हुआ, उसको दो स्लिट अगर लें, दो छेद लें किसी पट्टी पर, और को एक इकाई को पृथ्वी में देखने जाएं, है ना, तो उसका जो रिफ्लेक्शन बनता है ना, वो गोल गोल उसके वो बनते हैं, रिंग्स बनते हैं। उसी को मैं कह रहा हूँ, और कौन सा बात कह दिया, धरती में और आगे बोलेंगे। हाँ, उसकी जो रिंग्स बनती हैं, हाँ, उस रिंग्स को एक्सप्लेन करने जब जाते हैं कि किस आधार पर उसमें वो रिंग बन रही है। अच्छा, उसके आधार पर वो कहते हैं कि तरंग अगर है तो ये रिंग बनेगा, हाँ, अगर तरंग रूप में नहीं है तो जैसा जो प्रकाश का स्रोत था उसका प्रतिबिंब वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोला था कि ये जो दीवार के पास से यदि प्रकाश निकलेगा तो किनारे से थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ऐसे ऐसा मानते हैं, उसको व्याख्या करने के लिए तरंग सिद्धांत को कहते हैं। हो गया, वो उसको बाद में करेंगे, पहले इसको समझो। जो प्रकाश का जो अभी आपने दो छेद की बात है कहा, हम छत से कहा तो दीवार से आप कह रहे हैं, वो सब ठीक है, वो जितने भी नचाई दिखती है, आपने कहते हैं रिंग, हम कहते हैं नचाई, तो वो जो कुछ भी दिखता है ये जो प्रकाश के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स जैसा नाचते रहते हैं वो ऐसा दिखते हैं,
इतना ही बात। उसमें निश्चित केंद्र से परिधियां बनती हैं, है ना, वर्तुल बनते हैं, जिसमें कुछ वर्तुल मतलब जो है पहले डार्क होते हैं, फिर ब्राइट होते हैं, फिर डार्क होते हैं, फिर ब्राइट होते हैं, पोलराइजेशन, और ये निश्चित बनते रहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं इसको। और तीन प्रकार का ये है चीज। तरंग बताने के लिए व्याख्याएं ये है, किंतु वो तरंग होने वाली जो बात है, मटेरियल है, उसको बताया। उस प्रकाश के अंदर जो जितने भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं और उस वो सबका नचाई बनाई रहती हैं, वो जिस मॉडल से बनता है उसको अपने अनुसार हम व्याख्या करते हैं। हमको कहना है प्रकाश तरंग है, हम कहते हैं कहिए, इसमें किसको क्या तकलीफ है। प्रतिबिंब में कोई तरंग होता नहीं है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब में कोई तरंग नहीं होता, प्रतिबिंब रहता ही। ये प्रयोग जो सबसे बढ़िया है, जैसे ये इसके सामने एक कोई कार्डबोर्ड रखे, उसमें एक गोल छेदा कर दिए, तो यहाँ पर एक गोला दिखना चाहिए, एक गोला ना दिखकर एक ब्राइट गोला दिखता है, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का चमक वाला गोला दिखता है। दादा वो क्या चीज है, वो सुनो तो सही, वो चीज़ है जो प्रकाश जहाँ कहीं भी जा करके टिका, वो जहाँ टिकने के पश्चात उसका आसपास के जितने भी अणु राशियाँ हैं उसके ऊपर वही अनुबिंबन प्रत्यनुबिंबन विधि बनी रहती है, उससे दूसरा एक वलय जैसा दिखता है। इसमें कौन सा बड़ी भारी चीज है भाई, हर बच्चे तो समझ सकते हैं इसको। मेरे अनुसार ठीक है ना भाई, अनेक वलय दिखते हैं, वो कैसा दिखते हैं, अनेक अनेक इसीलिए दिखते हैं, इस ये जो ये पृष्ठभूमि है जहाँ टिका है, वो रिसोर्स है जितने दूर से आया है, वहाँ से यहाँ तक जो है ना परावर्तन प्रत्यनुबिंब अनुबिंब की प्रक्रिया वहाँ से ही शुरू हुआ है, इसीलिए अनेक रिंग दिखते हैं। क्या पति हुई इसमें, क्या तकलीफ है आपको, क्या तकलीफ है इनको, क्या तकलीफ है इनको, क्या तकलीफ है, दे तीन दिग्गज बताओ। इसमें तकलीफ तो नहीं है, हाँ, लेकिन उसको ठीक ठीक ये मतलब परिभाषित करना पड़ेगा कि हाँ वो ठीक है, इंटेंसिटी है, हाँ, इसकी जो इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस है और डार्कनेस है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि बेटा इसमें निश्चित दूरी पर निश्चित जो है उसकी इंटेंसिटी होती है, अंधकार की या प्रकाश की, वही मुख्य है। जितना अंधकार बना करके ये छेद से प्रकाश को दूसरे धरती पर टिकाने से ये गोले जो है ना ज्यादा दिखेंगे। यदि वो गोले ये जो प्रकाश का स्रोत से यहाँ तक टिकने वाले जगह के आसपास में यदि प्रकाश बनाए रखोगे, कई गोले नहीं दिखेंगे। जितना डार्क बना करके इसको परीक्षण करोगे उतना ज्यादा गोला दिखेगा। हाँ ठीक है, वो ठीक है, अध्ययन गम्य बनाना वो एक अलग चीज है, उसको कराया जा सकता है, उसी के लिए तो आप हम पैदा ही हुए हैं लगता है, और काय के लिए।